कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की कृषि बाजार की खबरों में खास तौर से बात करेंगे गेहूं के बारे में। तो गेहूं के दाम में लगातार दूसरे दिन 25 से 50 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। व्यापारियों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की बिक्री की वजह से भाव बाजारों में कमजोर हैं और वैसे भी मौसम साफ है, इसलिए चालू महीने के अंत तक गुजरात में नए गेहूं की आवक भी बढ़ सकती है। कुछ मंडियों की कीमतों के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली की लॉरेंस मंडी में आज मध्य प्रदेश के गेहूं के दाम 2700 से लेकर 2705 रुपए के बीच है। उत्तर प्रदेश में राजस्थान लाइन के गेहूं के दाम आप 2700 से लेकर 2750 रुपए प्रति क्विंटल के बीच देखकर चल सकते हैं। इसकी जो दैनिक आवक है वो 1500 से 2000 बोरियों की हुई है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सरकार ने लगभग 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का फैसला किया है। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। फैसला किया है और सरकार द्वारा गेहूं बेचा भी गया, लेकिन जितनी गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही थी उतनी गिरावट बाजारों में नहीं आई है। जो रेट बाजारों में 3200 तक पहुंच चुका था, 3200 प्रति क्विंटल तक, वहां से बाजारों में हल्की फुल्की नरमी देखी गई है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी जा रही है। आज की कीमतों में मामूली गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। 25 से 50 रुपए तक की नरमी दर्ज करी गई है और आने वाले समय में आपको बाजारों में गेहूं में फिलहाल में बहुत ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। हल्का फुल्का सुधार बाजारों में देखा जा सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए। कृषि बाजार जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।